दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। इस टॉपिक को हम लोग दो फेजेस में कंप्लीट करेंगे। पहला है जिसमें हम जनरल डिस्कशन करेंगे ट्रांसक्रिप्शन का। सेकंड फेज में हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होता है वो देखेंगे। मगर पहले वाले फेज में हम सिर्फ एक जनरल डिस्क्रिप्शन देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन का कि एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि जो डीएनए है ना, उससे आरएनए का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और फिर उस आरएनए से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन मतलब कि पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। क्लियर? तो देयर आर टू प्रोसेसेस। हमने डीएनए रेप्लिकेशन पहले पढ़ लिया था। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, एंड देन आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है मतलब कि प्रोटीन्स बनते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस तो होता नहीं है। अब न्यूक्लियस नहीं होता, दैट्स व्हाई वहां पर क्या होता है, जो भी डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है बैक्टीरियल सेल के। तो वहां क्या होता है, डायरेक्टली डीएनए से पहले क्या बनता है, आरएनए, और विदाउट एनी प्रोसेसिंग है ना। तो जो ये आरएनए बनता है, इट इज द एमआरएनए, और ये विदाउट एनी प्रोसेसिंग फिर ये एमआरएनए किस चीज में हेल्प करता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बैक्टीरियल सेल केस में। बट इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इस वजह से वहां पे जो डीएनए बनता है पहले वो क्या बनता है, एक प्री एमआरएनए, इसको हम एचएनआरएनए भी बोलेंगे, ये बात हम बाद में समझेंगे, ठीक है, व्हाट इज एचएनआरएनए। क्लियर? तो डीएनए से पहले क्या बनेगा, एचएनआरएनए, फिर दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, फिर वो एचएनआरएनए एमआरएनए में चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड एज आरएनए प्रोसेसिंग, क्या होती है इस बात को हम बाद में देखेंगे। फिर जो वो एमआरएनए होता है, वो एमआरएनए न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, और वहां पर ट्रांसलेशन का स्टेप होता है। मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए प्रोसेसिंग तो होगी न्यूक्लियर एनवलप के अंदर। इस आरएनए प्रोसेसिंग को हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी कहते हैं, है ना, कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद होने वाली मॉडिफिकेशन। क्लियर? वो भी कहां पर होगी, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक। और उसके बाद जो अब एमआरएनए या जो भी आरएनए बनेंगे वो ट्रांसपोर्ट होकर कहां पर आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में, और यहां पर फिर क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा मतलब कि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहां होता है, साइटोप्लाज्म में, इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब एक बार इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में आप देखेंगे तो जो डीएनए उसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक 3' से 5' डायरेक्शन में और एक 5' से 3' डायरेक्शन में। क्लियर? अब हमेशा याद रखना है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, कि चाहे डीएनए रिप्लिकेशन हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, जो भी काम होगा सिंथेसिस का, वो हमेशा 5' टू 3' डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर एक बात समझने वाली है कि जो स्ट्रैंड्स हैं, ये दो स्ट्रैंड्स हैं, एक 3' टू 5' और एक 5' टू 3'। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि जैसे डीएनए रिप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड थे, क्योंकि दोनों को ही डीएनए स्ट्रैंड्स फॉर्म करने थे, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। बट इन द केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यहां पर एक सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्मेशन होना है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड नहीं होना है, सिंगल स्ट्रैंड होना है। अब सिंगल स्ट्रैंड फॉर्मेशन होना है और वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, 5' टू 3' डायरेक्शन में। तो वो कौन सा स्ट्रैंड इन दोनों में से यूज करे। क्लियर? तो यहां पर जो स्ट्रैंड 3' टू 5' होगा, मतलब उसका एंटी पैरेलल होगा, वो उसको यूज करेगा। तो जिस स्ट्रैंड को वो यूज करेगा, मतलब कि 3' टू 5' वाला, उस स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर एंटीसेंस स्ट्रैंड। और जिस स्ट्रैंड की हेल्प से वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करेगा, दैट स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज अ कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर? क्योंकि इसको हम कोडिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी आरएनए फॉर्म होगा, ठीक है, फ्रॉम टेम्पलेट स्ट्रैंड, वो बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा होगा। सिर्फ वहां पर एक डिफरेंस होगा कि थायमिन की जगह पर यूरासिल आ जाएगा, क्योंकि आरएनए में यूरासिल होता है इन द प्लेस ऑफ थायमिन, है ना, डीएनए के अंदर थायमिन होता था। क्लियर? तो जो ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये बिल्कुल सेम होगा जो आरएनए फॉर्म होगा उसके से, है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कोडिंग स्ट्रैंड। और इसको हम क्या बोलेंगे, सेंस स्ट्रैंड। जब हम कोडिंग स्ट्रैंड को सेंस बोल रहे हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटीसेंस, दैट्स व्हाई टेम्पलेट स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज द एंटीसेंस स्ट्रैंड। क्लियर? इस डायग्राम में और चीजें कुछ समझते हैं। यहां पर कुछ बेस सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए में जो कि ट्रांसक्रिप्शन में प्रमोशन करेंगे, मतलब जो कि ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेंगे, दैट्स बेस सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज द प्रमोटर। उनको हम क्या बोलेंगे, प्रमोटर, मतलब कि जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, डीएनए का वो पार्ट जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रमोटर। और जो जहां पर जाकर वो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगी, मतलब कि जहां से वो आरएनए बनना बंद हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेटर। क्लियर? तो ये क्या होंगे, टर्मिनेटर सीक्वेंसेस। एक्चुअली में ये है क्या, ये बेस सीक्वेंसेस हैं, ठीक है।
इस प्रमोटर सीक्वेंस को ही रीड कर आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि यहां पर आरएनए की सिंथेसिस होनी है, तो जो यहां पर एंजाइम काम करेगा उसका नाम क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज। इस प्रमोटर सीक्वेंस को ही आरएनए पॉलीमरेज रीड कर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा। क्लियर? तो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का जो डीएनए सीक्वेंस होगा उसको वो ट्रांसक्राइब करेगा। क्लियर? तो जो पार्ट वो ट्रांसक्राइब एक्चुअली में करेगा है ना, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल जीन। उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन। अब एक बात देखिए है ना, जैसे इस डायग्राम को देखें तो ये डीएनए मॉलिक्यूल है, तो इसमें द सेगमेंट ऑफ द डीएनए, ठीक है, विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड है ना, जो एक पॉलीपेप्टाइड को फॉर्मेशन में हेल्प करे, दैट इज द जीन। वो क्या कहलाएगा, जीन। तो दिस इज जीन वन, दिस इज द जीन टू, एंड दिस इज द जीन थ्री है ना, ये आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा है। तो अब ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, उसका एक स्ट्रैंड है 3' to 5', और एक स्ट्रैंड है 5' to 3'। ठीक, जिस इन देखिए आरएनए जो नॉर्मली होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, जिस आरएनए को फॉर्म करने के लिए जो स्ट्रैंड यूज होगा, क्लियर, दैट स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। और ये बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी कि दैट बेसिकली चाहे वो डीएनए रिप्लिकेशन हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, जो भी सिंथेसिस का प्रोसेस होगा वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होगा। तो वो कौन सा स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट यूज करेगा है ना, तो जब ट्रांसक्रिप्शन होना है 5' to 3' डायरेक्शन में, ठीक है, तो कौन से स्ट्रैंड को यूज करेगा, जो स्ट्रैंड 3' to 5' होगा। दैट्स व्हाई दिस स्ट्रैंड, जो ये ऊपर वाला स्ट्रैंड है, इट इज कॉल्ड एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, और जो उसका अपोजिट स्ट्रैंड होगा उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं या फिर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इस बात को समझते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो आरएनए बनना है वो सिंगल स्ट्रैंड बनना है, तो ए के अपोजिट में आरएनए में क्या आएगा, यू, इधर देखिए, ठीक है, और सी के अपोजिट में क्या आएगा, जी, सी के अपोजिट में क्या आएगा, जी, ए के अपोजिट में क्या आएगा, यू है ना, तो जस्ट इस तरह से आ रहा है। तो आप देखिए जो सिक्वेंसेज हैं, ठीक है, वो बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड के जैसे हैं, बस हो क्या रहा है, टी की जगह पर क्या है, यू, जी की जगह पे जी है, इधर भी जी की जगह पे जी है, टी की जगह पर यू है, टी की जगह पे यू है, टी की जगह पे यू है, मतलब कि सिर्फ थायमिन की जगह पे यूरासिल आ गया है, बाकी बिल्कुल सीक्वेंसेस सेम है। दैट्स व्हाई इसको, इस वाले स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड, या फिर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर इसको हम सेंस स्ट्रैंड भी बोल रहे थे, या फिर और जो इसका अपोजिट स्ट्रैंड है उसको हम एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, मतलब कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। The process of copying genetic information from one strand of the DNA into the RNA is termed as the transcription. मतलब DNA के एक strand से RNA का formation जो होता है ना, information को copy करना, वो क्या कहलाता है, transcription, transcript बनाना। The principle of complementarity governs the process है ना, complementarity का principle जो है वो govern कर रहा है, क्योंकि हमेशा adenine के opposite में क्या आएगा यहाँ पर, uracil है ना, क्योंकि RNA में uracil होता है thymine की जगह पर, ठीक, और cytosine के against हमेशा क्या आएगा, guanine, clear, और guanine के against साइटोजिन, क्लियर, तो एक्सेप्ट दैट एडिनोसिन नाउ बेस पेयर्स विद द यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन एज इन द रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन में थायमिन आता था एडिनिन की जगह, एडिनिन के अपोजिट में यहां पर यूरासिल आएगा। इसके बाद अनलाइक रिप्लिकेशन ओनली वन सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए गेट कॉपीड इनटू द आरएनए है ना, जैसे डीएनए के केस में क्या होता, दोनों फ्रेगमेंट जो थी वो कॉपी हो रही थी, ठीक है, क्योंकि डीएनए वो डबल स्ट्रैंड बनना था, बट आरएनए यहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है। दैट्स व्हाई जो यहां पर सिर्फ एक ही स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसको बोलते हैं, जो अभी हमने ये डायग्राम दिखा था, दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ना, तो इसमें एक सीक्वेंस है प्रमोटर सीक्वेंस, एक है टर्मिनेटर, और दोनों के बीच में जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। तो द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ डीएनए कंटेन थ्री रीजन्स इन द डीएनए, तीन रीजन्स हैं, फर्स्ट द प्रमोटर, इट इज द बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आगे जुड़ता है, ठीक है, फॉर द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा द स्ट्रक्चरल जीन, इट कोड्स द एंजाइम और प्रोटीन फॉर द स्ट्रक्चरल फंक्शन, मतलब कि जो जस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शन के लिए जो भी प्रोटीन बनाएगा है ना, जो सीक्वेंस आरएनए का, वो यहां पर प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल जीन। उसके बाद टर्मिनेटर, इट इज द रीजन वेयर ट्रांसक्रिप्शन एंड, जहां पर जाकर वो एंड हो जाएगी, द सीक्वेंस विच एंड्स द ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड एज द टर्मिनेटर सीक्वेंसेस। नेक्स्ट द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो ये एंजाइम है, क्योंकि डीएनए पर डिपेंड होकर आरएनए का पॉलीमराइजेशन कर रहा है, इस वजह से इसका नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, हेल्प्स इन डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, यहां पर रिप्लिकेशन नहीं है, ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये मिसप्रिंट है, बाय कैटलाइजिंग द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन है ना, कैटलाइजिंग जो होता है वो हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, 5' to 3', मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी। द डीएनए स्ट्रैंड दैट हैज द पोलैरिटी 3' to 5' एक्ट एज अ टेम्पलेट है ना, जो 3' to 5' वाला होगा वो कैसा करेगा, टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, एंड इज ऑल्सो रेफर टू एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। द स्ट्रैंड विच डज नॉट गेट
क्रिप्टेड है ना, जो जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा जिस स्ट्रैंड का, वो क्या कहलाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड, एंड हैज द पोलरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और जो उसका सीक्वेंस होगा वो बिल्कुल आरएनए जो फॉर्म हुआ उसके जैसा होगा, सिर्फ जगह क्या चीज चेंज होगी कि थायमिन की जगह पर यूरासिल होगा। द प्रमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड, जो प्रमोटर होगा वो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड के पास प्रेजेंट है, कोडिंग स्ट्रैंड, दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड। बेसिकली प्रमोटर इज द साइट वेयर द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। नेक्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ डीएनए लोकेटेड टुवर्ड द 3 प्राइम एंड है ना, जो 3 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड में जो 3 प्राइम एंड की तरफ जो सीक्वेंस होगा, दैट इज व्हाट टर्मिनेटर सीक्वेंस, ठीक है, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज उसको छोड़ देगा और ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। जैसे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज यहां से हट जाता है, क्लियर। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन है ना, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन में क्या रिलेशनशिप है वो चीज देखनी है। प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का जो सीक्वेंस है जिसको हम क्या बोल रहे थे, स्ट्रक्चरल जीन, एक्चुअली में दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ए फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो द सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, मतलब डीएनए की वो सेगमेंट जो कि पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करे, दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्ट्रोन, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट्रोन, ठीक। इन यूकैरियोट्स एक्चुअली में मोनोसिस्ट्रोनिक होता है, मोनो मतलब वन, वहां पे एक सिस्ट्रोन होता है, मतलब कि एक प्रमोटर और एक टर्मिनेटर के बीच में एक ही स्ट्रक्चरल जीन होता है, और उस एक ही स्ट्रक्चरल जीन से सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई, ठीक है, यूकैरियोट्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक, क्लियर। बट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट दे आर पॉलीसिस्ट्रोनिक, पॉली मतलब मैनी, सिस्ट्रोनिक मतलब सिस्ट्रोन्स, क्लियर। तो वहां पर क्या होता है कि एक प्रमोटर और एक टर्मिनेटर के बीच में कई सारे स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, जितने स्ट्रक्चरल जीन उतने पॉलीपेप्टाइड, क्लियर। क्यों, इस बात को इस तरह समझिए, क्योंकि प्रोकैरियोट का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, छोटा डीएनए होता है, उसके पास इतनी मशीनरी नहीं होती है कि वो अलग अलग स्ट्रक्चरल जीन के लिए अलग अलग प्रमोटर सिक्वेंसेज और टर्मिनेटर सिक्वेंसेज रखेगा, ठीक है, दैट्स वाई वो छोटा है, इसी वजह से उसका छोटा डीएनए है, दैट्स वाई वहां पर क्या है कि एक ही प्रमोटर है और एक ही टर्मिनेटर है, ठीक है, और उसके बीच में जितने भी जीन्स हैं वो प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक, क्लियर। तो नेक्स्ट है, यहां पर एक टर्म है इंट्रोन और एक टर्म है एक्सोन। यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है कि जो एक स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में, उसमें कुछ सीक्वेंसेस जो होते हैं वो एक्सप्रेसिबल होते हैं, मतलब कि जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं सीक्वेंसेस बेस पेयर्स के, उनको हम बोलते हैं एक्सोन्स, ठीक है। और कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं बेस पेयर्स के जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं दे आर कॉल्ड एज द इंट्रोन्स, ठीक है, या इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस, क्लियर। इस बात को इस तरह समझिए कि एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल जीन है, उसमें कोई सीक्वेंस है ना, ए सी टी 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 जी 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 सी कुछ भी करके, ठीक है, और उसमें क्या हो, कुछ जो पार्ट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और कुछ पार्ट जो है बेस पेयर्स का वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। जो पार्ट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसको हम बोलेंगे एक्सोन्स, और जो नहीं करेगा उनको बोलेंगे इंट्रोन्स, है ना, इंट्रोवर्ट लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई इंट्रोन्स आया वहां से, क्लियर। और एक्सप्रेसिबल जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, दैट इज द एक्सोन, क्लियर, याद करने का तरीका, ठीक। अब यूकैरियोट्स में क्या होता है कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए है ना, मतलब कि जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है तो आरएनए बनेगा, जो आरएनए बनता है दैट आरएनए इज कॉल्ड एज द एचएनआरएनए, इस बात को हम बाद में भी देखेंगे, ठीक है, दैट आरएनए इज कॉल्ड एज द प्री आरएनए या फिर एचएनआरएनए बोलते हैं उसको हम, क्लियर। तो होता क्या है कि अब भाई जब हमें ट्रांसलेशन करना है तो जो जो सीक्वेंसेस एक्सप्रेस नहीं होते हैं उनका हम करेंगे क्या, ठीक है, दैट्स व्हाई उनको क्या कर दिया जाता है, जो हमारा सेल है उन नॉन एक्सप्रेसिबल सीक्वेंसेस को रिमूव कर देता है ना, और सिर्फ एक्सोन्स जो हैं, मतलब कि एक्सप्रेसिबल सीक्वेंसेस, उनको जोड़ देता है। तो जो एमआरएनए अब बनता है उस एचएनआरएनए से, ठीक है, उसमें सिर्फ क्या होते हैं, एक्सोन्स होते हैं, बट कोई इंट्रोन नहीं होते, ठीक है। दूसरी बात, जो भी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस थे लाइक प्रमोटर सीक्वेंसेस और टर्मिनेटर सीक्वेंसेस, ये कोई भी पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करने में या ये कोई भी स्ट्रक्चरल जीन के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। तो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस आर लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन्स, दे आर द रेगुलेटरी जीन्स, दो दे डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन, मतलब इनसे कोई आरएनए और कोई प्रोटीन नहीं बनता है, मतलब कि प्रमोटर और टर्मिनेटर सीक्वेंस से कोई आरएनए और कोई प्रोटीन नहीं बनता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकेंड फेज देखेंगे, जिसमें हम ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स है ना, वो देखेंगे।